फुल झाड़ू जैसा बन जाएगा भाई। चिकन जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं ज़बरदस्त। अभी एक दो पीस जो है ना फ्राई वाला फ्राई करके बता दो कैसा बना, क्या है बताओ तो? क्या है बताओ? अच्छा क्या है हाँ? तो खाना पीना खा लिए हैं, ठीक है अब निकलते हैं घर। राजकुमार भाई बोल रहा है कि आज चिकन उतना मज़ा नहीं आया, नहीं आया इसको अगली बार से खाने पे नहीं बुलाऊंगा। आ तो गया हूँ लेकिन कौन सा घर है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर नया रूम है इधर जाना है कि इधर जाना है, एक बार कॉल ही कर लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों ऊपर आ गया था पार्सल देने के लिए, अब चलते हैं नीचे। तो भाई मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और चिकन अच्छे से साफ करके रख दिया, ठीक है। और 2 मिनट पक जरिया पानी जो है ना स्टार्ट हो चुका है, फटाक से पहन लेता हूँ रेनकोट, मैं तो भीग जाऊँगा, ऑलरेडी हल्का फुल्का भीग चुका हूँ, ठीक है। रेनकोट पहन कर गर्म लग रहा है, लगभग 2 घंटे तक पकाया हूँ, ठीक है मस्त पकाया। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस और आज ना दोस्तों सुबह से मतलब मौसम जो है ना अंधेरा कायम रहे टाइप से कर दिया है पूरा चारों तरफ। हालांकि रात को पानी गिरा था, अभी भी पानी गिर सकता है दोपहर में या किसी भी टाइम पानी गिर सकता है। और आज ना दोस्तों बहुत दिनों बाद मतलब बहुत महीनों बाद जब से राजकुमार भी ज्वाइन कर लिया है अमेजोन, तो बोल रहा है कल बोला कि भाई चलिए करते हैं चिकन पार्टी, क्योंकि पहले हम लोग जब साथ में करते थे तब चिकन पार्टी करते थे। तो आज शायद चिकन पार्टी हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, आज भी हो सकता है कल भी हो सकता है, क्या पता आज भी हो सकता है, क्योंकि कल ही मेरे को कॉल करके बोल दिया गया था राजकुमार भाई कि करते हैं भैया करते हैं, बहुत महीना हो चुका है हम लोग साथ में चिकन वकन खाए नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों स्कूल वाला बस भी निकल चुका है बच्चों को लेने के लिए, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस अपना पार्सल लेने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग में बने रहेगा। और हाँ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक मोटिवेट वाला पर्सनली कमेंट कर ही दीजिएगा। चलिए चलते हैं, ठीक है शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहेगा। हालांकि हल्का हल्का धूप निकल रहा है लेकिन टिड्डा जो है वो भी उड़ रहा है, टिड्डा उड़ने का मेन संकेत रहता है कि पानी गिरेगा झमाझम, देखते हैं क्या होता है, ठीक है चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों अपना बाइक तैयार कर चुका हूँ और आज ना ज़्यादा पार्सल मिला नहीं है, ठीक है। और मौसम के हिसाब से और मतलब पार्सल भी बहुत ही कम ही आया था आज, और राजकुमार भाई भी अभी तक नहीं आया, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है, पता नहीं चिकन वाला पार्टी होगा कि नहीं पता नहीं, मैं कन्फर्म नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए जितना पार्सल मिला है फटाफट मारते हैं डिलीवर सटासट से, ठीक है। मौसम का कोई भरोसा नहीं, शायद पानी गिर सकता है, अभी थोड़ा सा पार्सल लोड जो है ना थोड़ा सा कम हो चुका है। चलिए चलते हैं फटाफट मारते हैं डिलीवर। फर्स्ट स्टॉप आ गया था, इसी घर से आज शुरुआत कर रहा हूँ पार्सल बांटने की। 1450 रुपये का पार्सल है, फटाक से देकर आता हूँ। भाई खुल जा भाई, गेट खुलेगा कैसे, अंदर से ताला लॉक है, ठीक है कॉल ही करना पड़ेगा। तो भाई इस कॉलोनी का 3 पार्सल था जो देकर आ चुका हूँ, अभी चलते हैं इस कॉलोनी से बाहर, ठीक है। धूप भी निकल चुका है तेज वाली, पानी तो गिरा है रात को इधर भी, ठीक है जगह जगह देख ही सकते हैं पानी रुका हुआ है, हल्का सा धूप निकला ही था अभी जस्ट कि फिर से छाया आ चुका है, संकेत पूरा मिल रहा है कि पानी झमाझम गिरने वाला है भाई। चलिए पानी गिरने से पहले जितना जल्दी हो सके ख़त्म करते हैं अपना काम, लेकर तेरा नाम, जय श्री राम जय श्री राम। चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों ऊपर आ गया था पार्सल देने के लिए, अब चलते हैं नीचे। इधर का पार्सल जो है ना इस एरिया का ज़्यादा पार्सल बचा हुआ नहीं है, लगभग 10 पार्सल बचा हुआ है, 10 पार्सल ख़त्म कर मैं फिर जाऊँगा उधर टाइम आउटसाइड का पार्सल देने। चलिए जरिया पानी जो है ना स्टार्ट हो चुका है, फटाक से पहन लेता हूँ रेनकोट, मैं तो भीग जाऊँगा, ऑलरेडी हल्का फुल्का भीग चुका हूँ, ठीक है। रेनकोट लेकर आया था हालांकि घर से, निकाल के पहन लेता हूँ फटाक से। तो भाई रेनकोट पहना ही था कि पानी भी छूट गया है, कोई मतलब का नहीं रहा रेनकोट पहन के। चलिए इसको भी उतार लेता हूँ क्योंकि गर्मी जो है ना रेनकोट की वजह से अधिक ही लगता है।
तो भाई लास्ट स्टॉप पे जा रहा हूँ पार्सल देने के लिए। पूरा पार्सल लगभग ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है, एकमात्र पार्सल बचा हुआ है। और झोली में जो पार्सल दिख रहा है ना, दो पार्सल एक ही कस्टमर का, वो पार्सल जो है कस्टमर लिए नहीं, ठीक है। अभी बस दो रिटर्न लेना है और एक पार्सल बस डिलीवर करना है, उसके बाद आज का काम जो है मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो भाई ये दोस्तों लास्ट स्टॉप पे आ गया था पार्सल लेकर, ठीक है, कस्टमर के पास कॉल कर दिया हूँ, लेकिन कस्टमर बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल के पास ही रहिए, भेज रही हूँ किसी को रिसीव करने के लिए। अच्छा, आप ही लेंगे। ये दोस्तों पार्सल दे दिया हूँ और आज का काम भी ख़त्म हो चुका है, अभी ऑफिस जाने के बाद ही पता चलेगा चिकन पार्टी होगा या नहीं, ठीक है। चलिए चलिए, आ गया था, पैसा वगैरह सब कुछ जमा कर चुका हूँ और चिकन पार्टी कंफर्म हो चुका है। राजकुमार भाई से भी जस्ट बात हुआ है, ठीक है, बोल रहा है कि मैं चिकन खरीद के छोड़ के आ गया हूँ रूम में, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ रूम में। हालांकि मेरे को रूम नहीं पता है, क्योंकि किसी और के रूम में आज चिकन बनाने वाले हैं, ठीक है, तो वहीं जा रहा हूँ। एक के जी चिकन लिए होंगे, आज होगा धमाकेदार चिकन पार्टी। तो छोटी सी कार, चलो चिकन के आ गया था, मतलब चिकन बनाने में बहुत ज़्यादा लेट लगने वाला है, तो कुछ खा लेता हूँ। हरा चटनी और प्याज पूरा काट दिया, हरा चटनी और प्याज एक के साथ एक फ्री दो चम्मच। दो चम्मच डालिए, हाँ जवान है अभी आप पचास हो, हाँ तो भाई तीखा वाला चटनी डाल दिया। आ तो गया हूँ लेकिन कौन सा घर है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, नया रूम है, इधर जाना है कि इधर जाना है, एक बार कॉल ही कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर रूम वूम तो दिखाई दे नहीं रहा है मेरे को, जहाँ लग रहा है ये वाला गली में जाना होगा या फिर इस वाले गली में। सारी दिक्कत, हालांकि नाश्ता कर लिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, भूख लगा था बहुत ही ज़ोर से, अभी लगभग 12 बज चुका है, ठीक है। चलिए फटाक से लगाता हूँ कॉल, कीचड़ कीचड़ हो गया था, कॉल कर लिया था भाई को, ठीक है, बाइक को भी पार्क कर दिया है। अभी भेजना पड़ेगा मेरे को चिकन बनाने में, दो घंटा तो लगने ही वाला है। सब कुछ तैयारी के साथ, वाह, बस चिकन को थोड़ा धो दो। हाँ, चावल बना रहे, इसमें बनाओगे कि बड़ा वाला बनाओगे? बड़ा वाला दे दो, हिलाने में थोड़ा सा होगा। सब ऑलरेडी प्याज मिर्च और लहसुन काट के रख दिया है, ये रहा खड़ा मसाला, भूख भी लगा है जम के। हालांकि मैं नाश्ता कर लिया हूँ, तुरंत करके आ रहा हूँ, आज नहीं जा रहे वापस, आज नहीं जाओ लेट में थोड़ा सा। तो भाई मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और वो रहा चिकन, अच्छे से साफ करके रख दिया हूँ, ठीक है, और दो मिनट पकाने के बाद मसाला, उसके बाद डालूँगा इसमें चिकन। लग जा रहा है, तो भाई मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, अब इसमें डाल देता हूँ साफ किया हुआ चिकन। एक केजी चिकन है, अच्छे से इसको मिला देता हूँ मसाला के साथ। भाई चिकन जो है ना फ्राई हो चुका है लगभग, देख ही सकते हैं ग्रेवी, मसाला जो है ज़बरदस्त लग रहा है। तो भाई चिकन जो है ना बन के तैयार हो चुका है, गर्मी लग रहा था इसलिए मैं नहा लिया हूँ। चलिए देखता हूँ आगे कितना बाकी है, आगे हल्का सा ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया था। और हमारे MR सर्विस से राजकुमार भी आ गया है, सो सो के मोबाइल देख रहे हैं। चिकन पक के तैयार हो चुका है, एक पीस निकाला हूँ ट्राई करने के लिए। मेरा काम ख़त्म हो चुका है, हमारे सर्विस, सब निकालो खाना। ओ भाई गर्मा गर्म, भयंकर गर्म लग रहा है, लगभग 2 घंटा तक पकाया हूँ, ठीक है, मस्त पकाया।
एकदम सॉफ्ट जांग वाला पीस है, ठीक है। इसको ना चबा के भी खा जाएंगे तो हड्डी भी गल जाएगा, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से पकाया हूँ। मज़ा आ गया। क्या देख रहा हूँ इसमें, दोगे मेरे को खाने? तो अच्छा थाली है, मैं सोचा वो है क्या? कुछ और ही समझा था। क्या समझे थे आप? आलू। क्या समझे थे जल्दी बताइए। अरे कुछ और ही डब्बा समझा था। आलू मज़ा आ जाता है ना खाने में। आलू अंधेरा में थोड़ा काला काला दिख रहा है ना। ग्रेवी नहीं रखे आप? ऐसे ही मज़ा आता है, ग्रेवी मज़ा नहीं आता है, गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। चावल खाना है, पता था ना? सब हो जाएगा, बोलोगे तो अभी पानी डाल देता हूँ एक लीटर। तो खाना पीना खा लिए हैं, ठीक है, अभी निकलते हैं घर। राजकुमार भाई बोल रहा है कि आज चिकन उतना मज़ा नहीं आया। नहीं आया इसको, अगली बार से खाने पे नहीं बुलाऊंगा। खाने के बाद इसको मज़ा नहीं आता है कि नहीं? आगे दोनों भाई का ख़त्म हो चुका है काम, और आज काफ़ी महीनों बाद है ना, 2-3 महीने बाद हम लोग साथ में सेलिब्रेट किए। खाने के बाद बुराई कर रहा है, मसाला और भी चाहिए था। और भी मसाला चाहिए था, लेते आते हैं। कौन से लेते आते हैं? 5 रुपये का बस धनिया पत्ती बोला लाने, लाया नहीं, भूल गया। हाँ चलिए दोस्तों, आज का काम भी ख़त्म हो गया, पार्टी भी सेलिब्रेट कर लिया, अब चलते हैं घर, ठीक है। खाना पीना नहीं खाएंगे, नहा धोवा लिए हैं। चलो 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 चलो, रुको मैं बाइक निकाल लेता हूँ। काम ख़त्म करके घर आ गया था, और उधर का व्यू देख ही सकना, ज़बरदस्त लग रहा, ठीक है। हमेशा मैं इधर ही जाता हूँ घूमने के लिए, आज मैं सोच रहा हूँ कि इधर जाऊँ, क्योंकि इधर जो है ना काफ़ी लोग जो है ना मछली वगैरह पकड़ते हैं बरसात के टाइम। हालांकि अभी नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि मछली जो है ना पूरा नीचे उतर चुका है, क्योंकि पानी जो है ना थोड़ा सा भर चुका है, ठीक है। चलिए आते हैं थोड़ा सा घूम घाम के, और आज भी अच्छा खासा पार्सल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मीडियम ठीक ठाक ही बोला जा सकता है। लगभग मैं 46 पार्सल आज टोटल जो है डिलीवर किया था, मतलब पिकअप मिला के, ठीक है। चलिए आते हैं थोड़ा सा आगे से, और शाम के टाइम का नज़ारा जो है ना ज़बरदस्त लगता है मेरे घर के पास का, ठीक है। पानी गिरता है तो और भी ज़बरदस्त लगता है, जब सूरज देवता जब डूबने लगता है ना, मस्त एकदम ऑरेंज ऑरेंज कलर पूरा एकदम मस्त दिखता है। तो भाई चलिए आते हैं, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मछली पहले पकड़ा करते थे बरसात के टाइम, जब छोटे छोटे थे उस टाइम, लेकिन अभी मन नहीं करता है पहले जैसा, ठीक है, कि मछली पकड़ने आऊँ, उससे अच्छा लगता है कि खरीद के ही खा लूँ। हालांकि फ़िलहाल पापा और सोमू जो मेरा साला जो है गए हैं बाजार गए हैं या मार्केट या दुकान गए हैं, मेरे को ये कन्फर्म पता नहीं, लेकिन गए हैं। और मेरे को आज खाने का मन कर रहा है मछली, शायद मछली ही लाने वाले हैं पापा, ठीक है। कि मैं भी बोल दिया था कि क्या खाना है मेरे को, जब पूछा तो मैं बोला मछली। अब देखते हैं, अगर मछली मिल गया लोकल मार्केट से तो मछली लेकर आ जाएंगे, अगर नहीं मिला तो फिर हमेशा की तरह चिकन बनेगा रात को, ठीक है। तो भाई यहीं से ना वो छोटा वाला तालाब जो उसको बोलते हैं छोटा तालाब, ये वाला जो है बड़ा तालाब, उसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। हालांकि इधर से पूरा पानी भर जाता है, लेकिन पानी नाके बराबर गिरा तो कहाँ से भरेगा। हालांकि यहीं पे मछली पकड़ा करते थे पहले। चलिए अभी बरसात जब पानी गिरा था ना झमाझम, तभी काफ़ी लोग यहाँ पे आके मछली पकड़े थे। तो भाई छोटा सा वाटरफॉल का निर्माण किया जा रहा है हल्का हल्का पानी से, ठीक है। यहीं पे आते थे मछली पकड़ने के लिए। ये पूरा गर्मी टाइम पूरा सूख जाता है, गर्मी का अभी भी सूखा ही हुआ था, अभी कुछ दिन में ही मतलब पानी भर गया है। भाई यहाँ पे ना एक आदमी जो है ना उसको पागलपन के हैं या बेवकूफ़ी क्या ही बोला जा सकता है, यहाँ पे घर बना दिया था, देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। वो भाई ये रहा घर, ठीक है, इस जगह पे घर बना दिया था, और जबकि जब बरसात होता है तो ये सब पूरा भर जाता है, ये सब पूरा डूब जाता है, और यहाँ पे घर बना दिया था। मैंने सोचा हेलो नुकसान होने वाला है, हालांकि यहाँ पे रहे नहीं, ठीक है, फिर घर को टूट टाड़ के फिर चले गए, फालतू बस खर्चा करके चले गए। यहाँ पे तो मछली हो सकता है, अगर अच्छे से पकड़ा जाता है मछली पक्का मिल जाएगा। जब बारिश होता है ना झमाझम, तो मतलब ये खेत खेत में बहुत मछली भर जाता है, छोटा छोटा जिसको पोखी मछली बोलते हैं, और यहाँ से मतलब मछली उतरता है उस वाला तालाब से, जो मछली आता है यहाँ से उतरता है, और मछली चढ़ते भी हैं इधर। हालांकि इस बार तो चढ़ने का
कोई रीज़न हो नहीं सकता क्योंकि वो ऐसा पानी गिरा ही नहीं भाई जैसा पानी गिरना चाहिए। ठीक है, गांव का नज़ारा ही कुछ और होता है भाई, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आप लोग भी अगर अपने गांव से प्यार करते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर ही दीजिए, कुछ भी अपने गांव का नाम ही कम से कम लिख दीजिए, क्योंकि बहुत कोई जो है ना गांव से निकल के शहर चले गए हैं और शहर में ही बस गए हैं। और बहुत सारे भाई लोग का मेरे को पता है कि आप लोग शहर में रहते हैं लेकिन आपका भी एक गाँव है, क्योंकि पापा मम्मी दादाजी का जो रहते थे पहले वो गाँव एक ना एक गाँव रहता ही है। ठीक है, सबका पार्टी शार्टी स्टार्ट होने वाला है, कार वाले भैया जी आ गए हैं। ठीक है, हालांकि इवनिंग के टाइम में यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं शहर से घूमने के लिए। ठीक है, उस पार भी जाते हैं, इस पार भी आते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग से बहुत ज़्यादा मतलब कि बात कर लिया, वहाँ से आने के बाद लगभग 4 मिनट होने वाला है, बकबक किए जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं, अभी इंतज़ार करते हैं पापा का, देखता हूँ क्या लाते हैं आज, मछली लाते हैं या चिकन। मेरे को भाई मछली खाने का मन कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लगता है। हालांकि एक बार आप लोगों को रेसिपी दिखाया था केला पत्ते में मछली बना के, वो वाला अगर फिर से देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और एक दिन मैं आप लोग को केला पत्ता से बना रेसिपी मछली के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं घर। ठीक है, और यहाँ मस्त आवाज़ दे रहा है, सर 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 सर। भाई मेरे को लग रहा है मम्मी जो है लकड़ी फाड़ रही है। ठीक है, मैं जाता हूँ, थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। अरे कट लग गया, क्या हो गया? हाँ चलो आगे ना, देखते हैं क्या रहा है, मछली या चिकन। पक्का वो चिकन ही लाए थे, चिकन एवरेस्ट दिख रहा है। बाबा तुम्हें तो बड़े डीम खाबो। अंडा भी लाए हैं, कोई थोड़ा डीम खावा। ए जे मां आसे थे हमरा मांस मांस डीम आने नहीं खाने का, कोई डीम आई हो गया मच। अंडा है ना, अंडा बता रहा हूं, चिकन है कि चलो समूह कहाँ जाओगे तुम? हाँ चाबी ले, क्या बांध देते हैं क्या, तुम ही जाओगे? हाँ चलिए दोस्तों आते हैं बांध तरफ से घूम के, काफ़ी भाई लोग गए हुए हैं, सुबह को ले चलता हूँ घुमाने के लिए। कहाँ दुकान गए थे कि मार्केट गए थे? सुना सुनाई दे रहे उस पार दोस्तों, काफ़ी लोग जो है ना आए हुए हैं, हालांकि मैं उस पार नहीं जाने वाला हूँ। वाला पहाड़ आपको और करीब से दिखाता हूँ पास जाके, दूर काफ़ी दूर है। ओए डॉगी लोग कहाँ जा रहे थे, इन लोग भी घूम घाम के आ चुका है। तो भाई सफ़ेद सफ़ेद जो है ना उसको लेकर जाऊँगा घर। ठीक है, इसको तोड़ के मस्त लगता है। अच्छा पूरे बच गया, मेरे को डर लगता है, क्यों गिर नहीं जाता इधर। चलिए दोस्तों आ चुका हूँ और इधर का व्यू देख ही सकते हैं, जबरदस्त एकदम हरा भरा चारों तरफ है, और उसके साथ मस्त सूरज रहता जो डूबने वाला है, रंग बिरंगा मस्त कलरफुल लग रहा है। चलिए आप लोग के लिए या घर वालों के लिए, सृष्टि के लिए कुछ लेकर जाता हूँ, वो आने के लिए कर रही थी ना, देखेगी तो खुश हो जाएगी। सफ़ेद सफ़ेद है ना, इसको तोड़ो ना।
बहुत सारा है, हिलाना मत ना, हिलाने से तुरंत बिखर जाता है। तो भाई फूल झाड़ू जैसा बन जाएगा। चलो दो तीन ठोर लेकर आ जाओ। तो भाई ये फंस गया है भाई, काफी प्यारा लगता है ये वाला चीज। और लाना है क्या? आ जाओ लेकर। तो भाई अभी घर निकलते हैं, देख सकते हैं मस्त लग रहा है। ठीक है चलो भाई, सृष्टि को तुमने तो खुश हो जाएगी, कहाँ से लेकर आए सफेद बूढ़ा बाल बोलेगी। चलो बोरिंग अभी तक चालू ही है। चलो ना देख लेंगे कहाँ पे है वो। किधर है सृष्टि? सृष्टि ओ सृष्टि, ये लो लो, क्या है बताओ तुम, क्या है बताओ? अच्छा वो है, क्या है? वो रहता है ये व्हाइट रहता है, पिंक भी रहता है। पिंक कलर का? ये व्हाइट कलर को पिंक कलर बोल रही है? पिंक कलर भी रहता है। अच्छा चलो चाय पियोगी? हाँ आ जाओ, वहाँ पे रख देना, वहाँ वहीं पे रख दो। हाँ अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो मैं कैसे रखूँ इसको? उसमें रख दो। हाँ उसमें, हाँ गुड शाबाश, इसके लिए दिया जाता है तुमको 10 रुपये। दो आ जाओ लेने के लिए, आ जाओ चाय पी लो। खाओ तुम खाओ ना तुम। यहाँ चूल्हे में बन रहा है चिकन और अलग टाइप से, ठीक है पहले से जो है ना चिकन में पूरा मसाला जो है ना मैरिनेट कर दिया गया है, बस प्याज फ्राई हो रहा है, उसके बाद बस चिकन को डाल देंगे। आज अलग टाइप से टेस्ट भाई, चिकन जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं ज़बरदस्त। अभी एक दो पीस जो है ना फ्राई वाला फ्राई करके बता दो कैसा बना, वो ज़बरदस्त लग रहा है देखने से, लग रहा है एकदम मसालेदार एकदम। करते तो भाई ये रहा फ्राई वाला चिकन, हाथ धो लो पहले। ना गरम भाई, चल रहा है मोदी और लगते हुए खाना अपना, सोने जाऊंगा बाद में। आओ भाई ये रहा फेवरेट लेग पीस और ये रहा आलू, सब भी खा रहा है ग्रेवी के साथ, चावल खा के बता रहा कैसा बना है। भाई जबरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ये रहा लेग पीस। तो भाई खाना पीना खा लिए हैं, ठीक है आज दो दो बार मतलब चिकन पार्टी हो चुका है। ठीक है आज का वीडियो का एंडिंग यहीं पे करते हैं, बहुत ही लाजवाब बहुत ही टेस्टी खाना बनाई थी मम्मी आज मतलब चिकन। ठीक है मिलते हैं कल एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा की तरह। जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़, बाय।